भूपेंद्र जी और हमारे साथी कलाकार होंगे। गजल के दीवानों के लिए कोई पैगाम आपका? कोई पैगाम? दीवानगी को यूं ही कायम रखिए, दीवानगी है तो जिंदगी है, दीवानगी नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो दीवानगी का होना बड़ा ज़रूरी है, आदमी में एक दीवानापन, एक पागलपन थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी है जिससे इंसान एंजॉय कर सकता है। सो मेरे हिसाब से तो और दीवाने होने चाहिए जितने भी हैं, क्योंकि दीवानगी में ही मज़ा है। भूपेंद्र जी, एक काफ़ी अटके सवाल है, पहले ऐसी कौन सी गज़ल थी जो आपने फर्स्ट परफॉर्म की थी, तो कौन से क्या बात है? वही जिससे पहचान बनी, भूपेंद्र जी की पहचान बनी, इसके बारे में। वो जो मदन साहब ने, मदन साहब ने मुझसे एक बहुत खूबसूरत एक नगमा गवाया था, फिल्म ये जो अभी आई थी, मौसम आई थी, तो उसके पहले हकीकत वाला जो आपने गाया, हाँ उसके पहले उनकी एक नज़म थी, हकीकत में थी, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। ये बहुत ही पॉपुलर नगमा है और जो आज भी जब मैं स्टेज पे गाता हूँ तो लोग उसके साथ, आज की जनरेशन जो है, ये गाना 63 में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आज की जनरेशन ये गाना मेरे साथ गाती है स्टेज पे जब मैं गाता हूँ, तो सब इसके साथ क्लैप करते हैं, पूरा गाना गाते हैं साथ में, तो म्यूज़िक तो एक्सपेंड हो रहा है। और ये यूट्यूब और ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आज हमें जो गाने कभी मिलते भी नहीं थे, हमें वो गाने मिल रहे हैं आजकल, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये भी एक दीवानगी है। मैं गज़ल गाती थी, बहुत सोलो शोज़ करती थी, और जब मैं भूपेंद्र जी को नहीं मिली थी तब मेरी एक एल्बम म्यूज़िक इंडिया में, मैं उन दिनों सब सारे सिंगर्स के साथ खजाना प्रोग्राम में मैं गाती थी, तब रिलीज़ हुआ था एल्बम, रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद साहिल मेरा फर्स्ट एल्बम, उसमें है रोने से गमी दिल का गुजारा नहीं होता, हर आश्क मोहब्बत का सहारा नहीं होता, रोने से गमी दिल का गुजारा नहीं होता। साहिल मेरा फर्स्ट एल्बम, और तब से बस लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, और पैगाम आपने पूछा है, यही पैगाम है, आप लोग हैं तो हम हैं, आप इतना सुनना चाहते, इतना प्यार देते हैं, और आप सुनने वाले हमें बहुत इंस्पायर करते हैं कि हर रोज़ हम कुछ ना बैठे बैठे नई नई गज़ल गीत कंपोज करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम एल्बम आपके सामने नज़र करते हैं। नज़रों को आपका इंतजार है, किसी नज़र का एक बार अगर आप फेस करें। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, इंतजार रहेगी।